नमस्ते दोस्तों, पहली बात यह है कि मैं उड़ीसा से हूं और अब बैंगलोर में ही रहता हूं। इंटरनेट पे मुझे बुलू बाइकर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप लोग मुझे प्यार से बुलू भाई कह के बुला सकते हैं। खैर, नाम में क्या रखा है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करता हूं, राइडिंग मेरी हॉबी है और अब वीडियो मेकिंग भी इस हॉबी का एक हिस्सा बन चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग मेरे लास्ट ईयर की बैंगलोर टू भूटान वाली ट्रिप की अनबॉक्सिंग करेंगे, बाकी फुल रिव्यू आप लोग ही कर देना। शुरू करते हैं। तो इस कहानी के हीरो हीरोइन जो है यही लोग है, अमर, अकबर और एंथोनी, और बीच में किशन लाल है। किशन लाल जो है वो भूटान से ज्वाइन करते हैं। और ये है फिल्म की हीरोइंस लक्ष्मी, सलमा, जिनी एंड किशन लाल की धर्मपत्नी, जिन्हें बहुत शर्म आती है इसलिए पीछे छुप गए हैं। तो ऐसा हुआ कि ये जो राइड है मेरी शुरू हुआ बैंगलोर से, एंड इस राइड के लिए मैंने अपनी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 7 को सिलेक्ट किया था। आप सबको तो पता है कि खाने के बिना मेरा राइड शुरू ही नहीं होता है। तांत, रोहित और मेरी वाइफ जो है वो मुझे कोलार तक ड्रॉप किए, तो वहाँ पे हम लोग मैकडी पे पहुँचे एंड मैं थोड़ा बर्गर वर्गर खा लिया, ये लोग पता नहीं कुछ इडली वड़ा खा लिए। सो बैंगलोर से भुवनेश्वर करीब 1500 किलोमीटर की राइड है और काफ़ी बोरिंग सी राइड है, क्योंकि हाईवे और हाईवे ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप बस सोच लो कि इंजन गर्म ही करना है। तो पहले दिन मैं विजयवाड़ा पहुंच गया और सेकंड डे मैं विजयवाड़ा से भुवनेश्वर पहुंचा। सो गाइस, वी आर राइट नाउ एट डिकाथलन एंड दिस इज सुमन। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सामान खरीदेंगे। सो देयर इज अदनान भाई इज जॉइनिंग विद दिस डुकाटी ड्यूएवल, एंड सुगत आपको पता होगा क्योंकि ले ब्लॉग्स पे हम लोग देखे हैं, एंड सुमन परिडा तो धोखा दे दिया। मैं कहीं पे नहीं हूं, धोखा ही दे दिया। आई एम आउट ऑफ द सीन। इस बार आने वाले थे, यू नेवर नो, आई माइट जॉइन इन द लास्ट मोमेंट। ओह, हार्ले के साथ, हार्ले के साथ। फिर कुछ इस तरह हमारा डे वन की राइड शुरू होता है बड़े बड़े बाइकों के साथ। So the first day of the ride from Bhubaneswar was to Bardhaman, which was about 518 kilometers, and हम लोग जो है खड़गपुर और वेस्ट बंगाल बाईपास करके पहुँचे, एंड रोड जो पूरा मक्खन था तो ईजिली पहुँच गए। और सेकेंड डे का जो राइड था, सारे मजा में एक बड़ा सजा ही था यार, देख लो आप। मोरेग्राम, या मोरेग्राम, दैट वॉज द रोड। सो लॉट ऑफ ऑफ रोड पैचेस। सो गाइस, वी हैव टेकन दिस मोरेग्राम रोड फ्रॉम बर्धवान। रोड कंडीशन इज लाइक पैथेटिक, बहुत ही खराब है यार रोड, इतना खराब। देखो, ओह, हाथ वाथ पूरा दर्द करने लगा है। डुकाटी डियावेल एंड हार्ले डेविडसन ऑन ऑफ रोड, नहीं नहीं नहीं, आज डबल ना आना पड़ेगा। टू मच ऑफ फन। फिर आके हम लोग मालदा में फंस गए। बर्धमान से सिलीगुड़ी करीब 457 किलोमीटर की राइड है, लेकिन प्रॉब्लम है मालदा। मालदा में आपको करीब 6-7 किलोमीटर की स्टॉप एंड गो ट्रैफिक मिल जाएगा। बहुत धूप रहता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होता है वहाँ पे, लेकिन मजा आता है जब फाइनली हम लोगों को मिल जाते हैं रास्ते पे। सो गाइस, वी आर एट गजोल ऑन द वे टू रायगंज, एंड हियर वी हैव गॉट सम सब्सक्राइबर्स। ब्लू बाइकर हिप पे, ब्लू बाइकर हिप पे। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते हमको रात हो गया, क्योंकि बीच में थोड़ा बाइक भी ब्रेक डाउन हो गया मेरा। अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो ये आपको कार्ड सेक्शन पर लिंक मिल जाएगा कि क्या हुआ था हार्ले के साथ। फिर हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचे और रास्ते में कुछ फिर से कुछ सब्सक्राइबर भी दिख गए, बहुत अच्छा लगा मिलके सबको। सिलीगुड़ी में हम मिले रॉजर से, हाय मायसेल्फ रॉजर जोशी, और शांतनु दास से। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइडर्स इन इंडिया एंड ही हैज डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रिप्स। बड़े ही अच्छे लोग हैं। एक्चुअली आज की जो राइड था वो था सिलीगुड़ी से भूटान की एंट्री तक फुनसोलिंग, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और ही था। भूटान की जो एंट्री था वो 3 दिन के लिए बंद था, एक सैटरडे संडे था और फ्राइडे को शायद कुछ फेस्टिवल्स था उनका, जिसके वजह से वो बंद था। तो ये आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप भूटान की एंट्री लेने के लिए आते हो, तो आप पहले
इंक्वायरी कर लो कि भूटान की एंट्री ओपन है कि आपको दो तीन दिन वेस्ट हो जाएगा, वो देखना ज़रूरी है। खैर जो भी हुआ, हम लोगों ने फिर ऑल्टरनेट प्लान बना दिया 3 दिन का। हम लोग सोचे चलो सिक्किम जाके आ जाते हैं, और हम चल पड़े सिक्किम की तरफ। Look at the view and the color of the water. Green color है, neat दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये हमारे गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इसे फोटो अपने को भेजने जाने। Hello. Hello. पानी देखो, कैसे दिख रहा है। एक गैंगटॉक और अपना सिलीगुड़ी के बीच में जो रोड है वहाँ पे है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। सिक्किम में आपको थोड़ी सी केयरफुली गाड़ी चलाना है, ओवरटेकिंग थोड़ा अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, नैरो रोड से, घाट रोड से, इसके वजह से तो थोड़ी सी केयरफुल रहना है आपको। वाह, look at that view guys. So basically we have hired a car and usme ja rahe hain, Sugat apne gaadi pe ja raha hai. Fir hum logon ne local taxi leke fir ghoom liye Sikkim, matlab Gangtok aas paas jo bhi tourist places tha wahan ghoom liye. Fir ghoomne ke baad fir ek din ke baad hum nikle Bhutan ke liye. Ye Monday ke din tha to gates bhi open tha. You have to take left from here. Welcoming, you came through that way. Yes, you can see the tea gardens on both the sides of the road. The view is superb. So guys, we have stopped here. So you can see tea estates. Adhan bhai bol raha ki ye sab chai ki dukaan hai. Bada dealer hai chai ka. अदनान भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक चाय के एस्टेट खरीदना है, सेटल हो जाना है, फिर बड़े बड़े बाइक खरीदना है। ना करो भाई, कुछ सुनाई नहीं मिल रहा, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, तारीफ कर रहे हैं आपके, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। चलो लेट्स गो। Next day morning at Bhutan. So guys, we just got our permits done. मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको भूटान में क्या क्या चीजें नेसेसरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सबको लेके एक डिटेल सा वीडियो बनाया है। ये लिंक कार्ड सेक्शन में आ गया और डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर लूंगा। अगर आपको भूटान आना है तो वो एक वीडियो देखने से आपको सारे के सारे कुछ पता चल जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। It's about 140 and this is the place where we stayed. Bhutan residency, quite a nice place to stay. Today's stop is at Gedu, which is about 40-50 kilometers from here. We're expecting to reach there by 2 hours. All set? All set. Are you guys excited for Bhutan? Of course we are. भूटान का व्यूज़ का क्या बताऊं आपको, जन्नत है सच में। लोग पूछते हैं कि कश्मीर और भूटान, मतलब लेह लद्दाख और भूटान में कौन सा बेहतर है, तो एक्चुअली दोनों बहुत अलग हैं। भूटान जो है ग्रीन रहता है, क्लीन स्काई रहता है, और मतलब एक अजीब सी वहाँ का क्लाइमेट जो है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहता है लेकिन अच्छी सी फीलिंग आता है दोनों तरफ देखोगे, और रोड का कंडीशन बहुत अच्छा रहता है, ट्रैफिक सेंस अच्छा है लोगों का। क्या बताऊँ, जब तक आप नहीं जाते हो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है। और लद्दाख जो है उसका एक अलग टाइप का मज़ा रहता है, उसमें
बंजर जमीन आपको मिल जाता है, टॉल टॉल मतलब माउंटेन्स मिल जाता है, स्नो मिल जाता है, बहुत कुछ है। तो वैसे ही है कुछ, बस यही हुआ। फिर हम लोग अब पहुँचे गेटू में, तो जो हमारा पहले दिन का स्टे था, छोटी सी जगह था लेकिन अच्छे से एकोमोडेशन हम लोगों को मिल गया और बहुत अच्छी जगह है एक्चुअली। ठंड तो भयंकर था, सुबह सुबह उठना बाप रे क्या ठंड था। तो दोस्तों क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे कैसे लग रहा है, चारों तरफ हरे भरे ग्रीनरी है एंड स्काई पूरा क्लियर है, रोड्स स्मूथ है, कॉर्नर्स है, बाइकर के लिए तो पैराडाइज है, बाइकर्स पैराडाइज। सही है यार, क्या मस्त लग रहा है। ये हमारा गाड़ियाँ, वी आर फीलिंग सो कोल्ड सो कोल्ड, बहुत ठंड लग रहा है अभी। स्मूथ रोड्स। तो ये आगे हम गेटू, और गेटू जो है छोटी सी जगह है, ये शायद इनकी कुछ ऑफिसेज है या फिर हो सकता है कुछ गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल्स ऐसे कुछ है। और जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट बहुत ठंड था, ये करीब शाम को मेरे ख्याल से 6:30 बज चुका होगा। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे लिए नया एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस ही था, कम्प्लीटली न्यू, फॉरेन जैसा ही दिखता है भूटान। मतलब आप अगर इंडिया से कंपेयर करते हो तो बहुत डिफरेंट दिखता है, बहुत कम लोग मिलते हैं आपको रोड पे और ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा है, आप यकीन नहीं मानोगे। आपके आगे कोई भी बड़ा सा ट्रक हो या बस हो या कार हो, कुछ भी हो, अगर आप बाइक पे आते हो और आप लोगों को वो देख लेते हैं मिरर पे, तो इमिडिएटली रोड के नीचे ले लेते हैं ताकि आपको साइड मिल सकता है कि आप आगे जा सकते हो। तो वैसे हैं वहां के लोग। हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी दुकान था तो वहां पे कुछ मैगी वैगी खाए एंड शाम तक बैठे, फिर 7 बजे करीब 7-8 बजे निकले घर के लिए। हेलो, यहाँ पे इतना सर्दी है, इतना सर्दी है कि क्या बताए। हाँ तोड़े आदि भाई, आदि विनान लवली। हेलो गाइस, वी आर एट गेडू और यहाँ पे इतनी सर्दी है, बाप रे बाप, गर्मी है गर्मी, ये बलाक्लावा पहन के ही घूम रहे और ऐसे ही घूम रहे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्या है पता है, ये एक हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग, नॉट हॉस्टल, ये कॉलेज का, कोई कॉलेज का गेस्ट हाउस है एंड बेसिकली वी हैव गॉट अ गुड डिसेंट रूम एंड गेस व्हाट, 600 रुपए पे हम लोगों को ये रूम मिला 3 आदमी के लिए, सो 200 रुपए पर हेड। बाइकर्स हैं हम, इसलिए जितना सस्ता सस्ता। फिर अगले दिन सुबह हम लोगों को निकलना था थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान की कैपिटल है और सबसे बढ़िया मतलब सबसे एडवांस सिटी बोल सकते हैं आप। गाइस, वी आर लीविंग गेडू नाउ। टुडे वी विल स्टॉप एट टिम्पू। वेल, गेदू से लेके टिम्पू करीब 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर, लेकिन टाइम करीब 3-4 घंटा लग जाता है बिकॉज बहुत कॉर्नरिंग्स रहता है आप देख सकते हो और घाट रोड्स रहता है एंड यहाँ पे मतलब रोड्स थोड़ा अच्छा है, फिर आगे चल के रोड्स थोड़ा ख़राब हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम लगता है। फिर वही है बात, और हम लोग भी जो है थोड़ा आराम से राइड किए मतलब नेचर को फील करते हुए एंड फिर फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे थिम्पू। अब थिम्पू पहुंचने के बाद ये हुआ कि वहाँ की जो ट्रैफिक सेंस है और वहाँ की जो मतलब
जैसे लोग बिहेव करते हैं वहाँ के पुलिस ये सब देख के हम लोगों को तो बस बहुत अजीब लगने लगा। हम लोगों को लगा कि यार हम लोग शायद जंगली है। अब ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा है वहाँ पे कि हम लोगों को बहुत नर्वसनेस हो रहा था कि यार कहाँ गाड़ी रखें कहाँ नहीं रखें किस तरफ चलाएं कब इंडिकेटर दे, क्योंकि इतना अब इतना आदत हो जाता है इंडिया में, इतना ईजिली हम लोग गाड़ी चला लेते हैं, रूल्स वूल्स तो कभी 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वो था सीन, तो ये देख लीजिए आप थिम्पू। और फिर एंट्री होती है हमारे फोर्थ कैरेक्टर की, थिनले पाजी। हाँ ये थिम्पू से है एंड काफी अच्छा हिंदी बोल लेते हैं इसलिए सब लोग इन्हें पाजी कह के बुलाते हैं। इंग्लिश तो इनके बहुत बेहतर रहता है। एक्चुअली भूटान में हर कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है क्योंकि सारे के सारे जो स्कूल्स है वो इंग्लिश मीडियम होता है उसके वजह से। अब हमें पाजी जो है एक अच्छी सी होटल को लेके जा रहे हैं। सो वी आर हियर एट अ होटल एट थिम्पू थैंक्स टू सुगर्स फ्रेंड ओवर हियर। द होटल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड प्राइस वी आल्सो गॉट अ वेरी गुड डील इन दिस होटल। आई विल जस्ट शो यू द रूम। This is our room. There is Sugat. There is Adnan bhai. So two beds and one extra bed. And then all our stuffs are here and there. कल सुबह थिम्पू के आजू बाजू कुछ साइट सीन देखना है एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे हा, राइट? एंड हा पे मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस दैट वी माइट स्टे एट अ प्लेस व्हिच इज लाइक 400 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी 450 ईयर्स होम स्टे। सो इट्स अ होम स्टे बेसिकली 450 साल पुरानी जगह है। Oh, am I like? Hey guys, yeah. Welcome to Bhutan guys. I hope you had a great ride till now. Absolutely. Yeah. And thanks to you. Pleasure. Come on buddy, we are bikers so. I'm Tinle, everybody calls me Paji and I'm a Bhutanese. And most of the time I do like motorcycle tour here in Bhutan. And yeah, if you guys like feel like coming here, please follow you. आज के दिन हम लोग निकलने वाले हाँ, और हाँ निकलने से पहले हम लोग जो है थिम्पू के आसपास कुछ साइट सीइंग करेंगे। यहाँ के किंग है उनके पैलेस भी देखेंगे, एक बुद्धिस्ट टॉप पॉइंट है वहाँ भी जाएंगे, तो वो सब देखते हुए हाँ पहुँचेंगे। फिर रात में हाँ में जो हमारी स्टे है वो जैसा कि मैंने बताया एक 400 साल पुरानी बिल्डिंग में है एंड वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ जो हमको करना है जो पहली बार होगा लाइफ में वो है हॉट स्टोन बाथ। जी हाँ, हॉट स्टोन बाथ एक मतलब यूनिक सी चीज़ है जो इस दिन हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या होता है आगे। This was actually the complete statue was built somewhere in China. Okay. So they shipped through India, and again, like it was assembled here. Oh, this is assembled. Yeah, and okay. They have used concrete and different metals. I think there is a lot of brass also. Yeah, so 5 different metals. Okay. All right. And, nice. Inside, they have like small statue of Buddha. Okay. So it's like a symbol of unity between lots of nations. So we have like Bhutanese people working here, Indians, okay, and lots of Buddhist people like from Taiwan, Hong Kong, China. Right. So it's like a symbol of like unity. Unity. Right.
guys, that's the palace. That's the fort, and the palace is nearby, King's Palace. Kaisa dikh raha hai? अब हम हा की तरफ जा रहे हैं। थिम्पू से हा जो है थोड़ी सी रोड जो है खराब कंडीशन है, आप देख सकते हो थोड़ी अप्स डाउन्स होता रहता है, लेकिन आपको चलाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको कोई गाड़ियां दिखता नहीं है, बहुत खाली खाली रोड्स दिखता है एंड दोनों साइड पे जंगल दिखते हैं। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, एक्चुअली सर्दी बढ़ता जाता है, मतलब थिम्पू से निकलने के बाद यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम होते जाता है तो आपको ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी चलाने में। और एक अजीब सी, आपको क्या बोल सकते हैं कि आपको लगता है कि आप ये रूट पे अकेले जा रहे हैं, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आपको मिलता है, मतलब बहुत पीसफुल रहता है ये राइड। कैसे बताऊँ आपको, अनलेस यू आर देयर ऑन दिस रोड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ जो है काफ़ी पुरानी जगह है, इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो घर है काफ़ी पुराने डिज़ाइन की है, वुडन डिज़ाइन बनाया हुआ गया है, बहुत मतलब अच्छा लगता है आपको, एक अलग टाइप का एक जगह ये जो है मिलेगा, मतलब आपको काफ़ी पुराने जैसे महसूस होगा आपको। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल अलग सी जगह है ये। Well, our bikes are all parked here, and that's the place where we are going to stay. Let me just show you. It's a different kind of experience altogether here. The first time that I'm going to stay in such a old house, a traditional place. So we are at about 8,000 feet. Above sea level. Oh, so kind of running out of breath sometime. Very Sugat. Those are the stones. So we're going to take a stone bath there, inside there. Those stones, they have been baked. I mean heated up. They will be placed inside the tub and will be sitting there inside the tub. That's how it is done. The old tradition, a Bhutanese tradition, which was initially practiced by the Highlanders, okay, know, those yak herders, because it's pretty cold high okay. up in the mountains, so it used to be very effective for them. Right. So not always, I mean like sometimes once a month or like twice a month. That's how they do okay. it. Okay. तो यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल वे में मतलब किचन सेटअप है और नीचे बैठ के खाना होता है, एक अलग टाइप का माहौल बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेंटर में रूम की जो है एक हीटर है, इसके अंदर ये मतलब वुड बर्न करते हैं एंड उसमें क्या होता है ना, पूरे घर को हीट जो है फील होता है, तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि ये नेचुरल हीटर है इनके लिए। और यहाँ के खाना पीना भी बहुत अच्छा है, खास करके सर्दियों के मौसम में कुछ भी आपको मतलब गरम मिल जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है। फिर यहाँ हम आ गए अपने रूम को, तो काफ़ी छोटा सा रूम है, बस 3 गद्दे लगाए हैं और बीच में एक हीटर है वाइट कलर का, आप देख सकते हो। बस ठीक है, मतलब होम स्टे है, काफ़ी पुरानी जगह है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो इट्स ऑलमोस्ट 6:15 इन द मॉर्निंग, टेम्परेचर कुड बी अराउंड लाइक 6 or 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आज हमारी राइड आखिरी राइड है भूटान के अंदर, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हा से लेके पारो तक। एंड पारो वही जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट होता है, तो वहाँ पे लैंड जो है थोड़ा फ्लैट लैंड है, बाकी सारे जगह पे भूटान में हिल्स ही हिल है, पहाड़ी जगह है। तो चलते हैं फिर। ये आप देख सकते हैं बर्फ जैसा ही है, सी स्नो मैन, इतना ठंड है यहाँ पे। So guys, this is Chelala Pass,
and you can see the mountains, snow mountains. Just look at the view, guys. अब हम पहुंचने वाले हैं पारो. ये रहा पारो की एयरपोर्ट. पारो एयरपोर्ट, यू कैन सी द रनवे, इट्स अबाउट 3 किलोमीटर रनवे. अरे बुलू भाई, भूटान आ गए और एक टाइम भी खाना नहीं दिखाया यार. आप दिखाई लो, चलो ये देख लो. दिस इज हाउ माय प्लेट लुक्स. दिस इज राइस, देन ब्लैक मशरूम विद कैबेज, वेज नूडल्स, चिकन, दिस इज ब्रिंजल, चीज आलू, चीज पोटैटो, चीज पोटैटो, वेज मंचूरियन, राइस नूडल्स. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस मील टुडे. या यू आर आल्सो हैविंग द सेम, राइट? या इंस्टेड ऑफ चिकन आई विल हैव पोर्क. अब चलते हैं टाइगर मॉनेस्ट्री देखने के लिए, जो कि पारो में है. Well guys, this is the way to the base camp for the Tiger Monastery. People start the trek. Show you. Rinpoche, who is considered as the second Buddha. Okay. So he was here on invitation from the king. He was like king in the central region. And it's believed like in 8th century, he came here riding on a tigress and meditated here. Well, some books says for 4 weeks, some says 4 months. So he spent some time here meditating. And it was all prophesied by him that in 14 and 1500s, there will be a treasure, the lineage of treasure discoverers born in the country. So like he prophesied, there were like treasure discoverers born in the country, and like some of the discoveries were made. So when I say treasure, it's not like pot full of gold or nothing like that. It's all scripts. This is where the monasteries, there. And the trip ended with a grand welcome by our friends from Odisha. There was a meetup, and that's all about it, friends. That is how we enjoyed every bit of Bhutan. I hope this video is going to help you out in your Bhutan trip, and I hope you liked each and every part of this video. If you like the video, as always guys, please do not forget to subscribe to the channel. There are lot and lot more coming soon.